हाँ साहब देखा यहाँ तेरे फटका जरूरी बा, बहुत दुर्गत बा कि डिलीवरी मेहरारू हुआ देखा वहाँ रोता, हम वहाँ तेरे छोड़ के तब यहाँ आप लोग के सुना है तो यहाँ दौड़ी आवा, आप लोग के फटका जरूरी दे साहब, हमारी है विनती बा। हाँ वो पिरा रहा बा पेट हम लिया के, अब वहाँ से जाब तो चौमहानी जाब डॉक्टर अभी। हाँ अभी वहाँ देखा वहाँ खड़ी करे है पैदल ही मेहरारू जाए रहे। कहाँ है वो? वही बगीचा में बाहिन। तो हम कहा वही अकेले? हाँ अकेले है, हम संगे जाब। तो हम कहा वही आप लोग हुआ यही के मारा हमें उनका वहाँ भेज दिया, अपना यहाँ जब सुना तू सब यहाँ है तो यहाँ वना छोड़ के चली आवा। कितना दूर जाना पड़ता है? अरे वो जाब वहाँ पड़ाव पर से जाब चौमहानी लिया के। कितना दूर है चौमहानी? कितना दूरी पर बता दे? 7 किलोमीटर साहब के फटका बहुत जरूरी रहे, जब बड़ी दुर्गत बा कि हमें सबन के ना ही मोटर बा तो हम सब कम से कम पैदल तो पास कर ले करासिल कर ले, अगर लम्मा उतना अरे वहाँ रहे लोहरापुर अगर रहे तो हम सब रात के यहाँ पड़ाव पर उतर के लोहरापुर से कैसे आए, अगर पड़ाव पर है यहाँ से मोटर ही फटका अगर रहे तो हम सब पास यहाँ से जाए के रोड पर कटका धाय के रोड मोटर जाए के चौमहानी चली जाए, कौनो भी साधन कर ले था। अब उतना दूरी मेहरारून के हिम्मत रात की कैसे करे? यहाँ आपका घर, आपका शादी कितना दिन हुआ यहाँ? लगभग 25 साल हुई। 25 साल? हाँ, 25 साल। तो क्या क्या समस्या होती है औरतों को खासकर? अरे औरतन के अभी है लड़कियाँ हो यहाँ बात तो पेट भी रहता तो गदेलन का तबीयत खराब बा तो मना ले 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 जात हन, लड़कीन के बियाह गवन बा है लड़किया गदेला होत हन ओके बदे मनई आवत हन जात हन, आई बोलत जाय आई के अपन हम तो जवन विपद बा बियाह गवन करब साहब कहाँ से करब, कौने कहाँ से घुमाई के मोटर लिया बगन नहीं रहे, चार ठे हमारे पास लड़की तो, बियाह करे तो प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है? नहीं कोई प्रशासन, सुना भी है कि जियो साहब आए रहे कम से कम 4-5 बार हो गया जियो साहब आन के आए कोई कुछ करे से नहीं, इसीलिए गांव के मेहरारू जोन हम कहते हैं हंस रहे हैं कि कुछ यहाँ पर हो ही रहा है खाली मेहरारू गाला बजाओ यही के मारा क्यों जात नहीं रहे। आपका नाम क्या है? आशा देवी। अरे साहब ना देखा यार रात आयन बरात आयन बियाह होए कैसे होए बताब, आप ही सोचा कि कैसे गांव विकास होए? तो रेलवे वाले से शादी करने से ठीक हो जाएगा? रेलवे वाले के नहीं हम बोला था ही, रेलवे वाले कुछ भी नहीं कहा था लेकिन हमें सब के रास्ता मिले चाहिए, भाई सरकार बनावा था जौन कुछ अच्छा खराब बनावा था अपन बनावा ही लेकिन हमन के कुछ निकाल कर ही कुछ हमन के डगरा मिले, अब बतावा 1.5 कोस के रेंज मारे यहाँ सुहा था गए मौके पर बोले कि ये बतावो जो रेलवे का रास्ता आना जाना था वो अब नया डबल हो रही है तो कुछ निकासी हम लोगों के मिलेगा, तो कहे चलो अभी तो 5 साल की समय न है बताओ वहाँ काम हो जाए तो 5 साल के बाद हम लोग खिचड़ी खाए जाब कि तू जाब। जब वोट चल रहा था तब क्या बोले थे? तब कहें कि सब हो जाएगा भाई घबराना नहीं, पहले वो देव दीवाव सबसे कहके देव दीवाव झगड़ा। अच्छा यहाँ का विधायक का नाम क्या है? रमेश नहीं सस्ता मौर्य सर। सस्ता मौर्य कौन से पार्टी से? बीजेपी। और सांसद? अनुप्रिया पटेल बीजेपी। अच्छा और पहले कौन थे? उसके पहले सांसद थे अनुप्रिया पटेल, 2 बार सांसद हो चुकी है यहाँ से, उसके पहले विधायक थे रमेश चंद बिंद जो सपा बसपा के नेता थे, अभी बीजेपी आया तो सस्ता मौर्य हो गई है। तो चाहे कोई भी पार्टी आए आप लोग का 25 साल कितने साल से कोई सब यही सनातन धर्म हो गया सर, बचपन से ही ऐसा हो रहा, हम जब से जन्म लिए हैं 32 साल का उम्र हो गया तब तक ऐसे ही रहते हैं कि कोई कुछ यहाँ पर अधिकारी कोई उपाय नहीं रहा है, खाली मेहरारू मनाए गांव में लोग आई है। और हम लोग का अंतिम डिसीजन यही है कि हम लोग रेलवे ट्रैक जाम करें, और रेलवे ट्रैक जाम करने का मतलब है सर कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, और मजबूरी क्या होगा जब हम लोग मरने हराने लगे तो रेलवे ट्रैक जाम ही करेंगे, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारा काम सॉल्व हो जाए। आपके घर के बगल में जो स्टेशन है वहाँ गाड़ियाँ रुकती है ज्यादा? जी सर जी जी पैसेंजर
पैसेंजर कटका स्टेशन उसमें तो एक्सप्रेस तो नहीं रुकता होगा फुल गाड़ी साहब रुक जाती बाकी हमें सबन के फटका नहीं दे बहुत मजदूरी में साहब हम सब बहुत जान लग अगर फटका न मिले बने तो हम सब मर जाए हम सब पैदल जाए थे महाराजगंज बाजार करे अगर नहीं भाई अगर ना फटका रहे साहब लोहरापुर कैसे जा उतना दूरी से फिर यहाँ महाराजगंज कैसे बाजार करे ऐसे मनाई आए जाए स्कूल स्कूल सब इसी साइड है हाँ, बच्चे उसी तरह पढ़ने जाते हैं प्राथमिक विद्यालय और मिडिल विद्यालय बाकी डिग्री कॉलेज भाई भी उसी तरफ है जो साइकिल रोज क्रॉस करके जाते हैं बड़ा बड़ा है छोट छोट है कैसे पास हो कैसे जाए बिना रास्ता डी आर एम आ रहे हैं कहन नक्शा लाओ यहाँ का नक्शा बनवा कर लाओ भदोही मिर्जापुर का ये बॉर्डर है तो सब दोनों संसद का दस्तखत करा कर लाओ सर हम इसमें लेटर पैड पे सांसद और विधायक दोनों जन का भदोही और मिर्जापुर का दोनों जन का सांसद विधायक का लेटर पैड पे लिखवाए मेरे पास रिसीविंग भी है मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखवाए उस पे लेटर पैड पे लिखवाए कि फला फला समय पे फलाने गेट नंबर से फलाने गेट नंबर तक इसमें बाधित है हम लोगों का रास्ता एकदम अस्थिर रूप से बंद हो चुका है जिसमें हमारे 22 गांव के लोग का आने जाने का रास्ता बंद है तो उसमें लेटर पे लिखवाए सांसद से ले जाकर के कोरियर फैक्स किए बड़े बाबू सिंह तो सांसद ने क्या कहा सांसद ने बोला कि मैं आपको लेटर पे लिख दे रहा हूँ सिर्फ सांसद ने लिख के दिया ना यहाँ पे कोई आया था ना कोई सुनने के लिए लिख के पैड पे अपने पैड दोनों सांसद ने दिया दोनों सांसद ने दिया लेकिन हम डी पी आर ओ ऑफिस में मंडल अध्यक्ष बनारस में वापस भेजे और मंडल अध्यक्ष अभी तक कोई जवाब नहीं 6-7 किलोमीटर दूर जाकर के 1 किलोमीटर पर फिर यहाँ आना पड़ता है ना बारिश समस्या थे है अब हम अच्छा गांव वाले मिलकर अपना पुल नहीं बना सकते गांव वाले मिलकर अपना पुल अरे कैसे बनाए जो बनाने देगा कि अपना पुल बनाएगी कैसे पहली बात तो रेलवे विभाग बनाने नहीं देगा तो हम बनाएंगे कैसे अपने मिलकर समस्या थे भी है उसकी जमीन छू नहीं पा सकते हैं वो आपकी जमीन ले सकता है हाँ हमारी जमीन पैसा देकर ले सकता है लेकिन उसकी जमीन नहीं है अब हम लोग के जाने वही एक फटका था स्टेशन के पास वही गुजरता था रेलवे किनारे से वो पूरा जाम हो गया हम लोग जाएंगे कहाँ नाव वाव से नहीं जाते क्या नाव नाव से नदी है ना इधर अरे गंगा नदी है तो गंगा नदी उधर जाने के लिए हमको जाना है इधर उधर कैसे जाएंगे हम नदी पार करने मिर्जापुर जाना है तो और आई के जाएंगे वो भी लाख हो जाएगा हमको जाना है तो और आई होती है मिर्जापुर जाना है अरे आपके पास गंगा नदी और क्या चाहिए आपको अरे गंगा नदी तो है गंगा माँ ने पता नहीं किस किस को बुलाया बुला रही है गंगा नदी एक दूजना सबको जाना है गंगा नदी के पास क्यों बाकी थोड़ी न रह जाएगा वही जाना है उनका वही संस्कार है डेवा बड़गा भदोही से आते हैं चौरी से आते हैं वो लोग बेचारे खेते खेते पैदल किसी तरह से ट्रैक्टर मिक्सर वही पार छोड़ दे रहे हैं मुर्दा भी नहीं आ पा रहा है जिंदा भी नहीं जा पा रहा है ना मुर्दा जा रहा है ना जिंदा जा रहा है ये सही बात ना मुर्दा जा रहा है ना जिंदा जा रहा है क्योंकि गंगा किनारे चौरी से आते हैं लोग वहाँ दफनाने के लिए गंगा किनारे वो भी नहीं जा पा रहा है चौरी चौरा से चौरी किधर चौरी है इधर सामने एकदम है चौरी बड़गांव डिहवा ये होते हुए सब पीछे चलगी है वहाँ से यहाँ से जाने के लिए सत्य है सब यही जाते हैं अब हम लोग के जाना तो यहाँ से जाएंगे हाईवे हाईवे से तब और आई तब मिर्जापुर जाएंगे भारी समस्या थे हो तो अभी इतना साल हो गया ना शादी ब्याह को कितना समय हुआ हाँ तो इस साल तो कट तो गया अब क्या बचा रह गया अब का है परेशान जाएंगे कहाँ से तो बच्चा होने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बच्चा को उतना परेशानी होगा पहले ना ही जो रास्ता ना ही बंद रहा गलती से आ गए
हमको कैसे पता यहाँ पर, हम तो रास्ता भी नहीं आने का किसी तरीके से है बुला दर्द उठा, वहाँ के फाटक बंद थे और फिर भी मैं वही 4 घंटा रोई। गाड़ी और इसके बाद माल गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे नहीं, तो जो 5 कोस था घुमा कर गाड़ी गई थी। जाते हैं साहब, बाकी ये मत भुला, रास्ता जरूर जरूर हमें से बन के चाहिए। हाँ, वाली औरतों को यही डिलीवरी वाली औरत वहाँ पर हम छोड़ के साहब तब आपके लगे। बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, कैसे डिलीवरी होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो शादी नहीं हो रहा लेकिन बच्चे हो रहे हैं। अरे जैसे बच्चे जो शादी हुई है उसके अगर बच्चे हो जाएंगे तो डिलीवरी जरूरत पड़ जाएगी। हम लोग हाईवे पर जाएंगे, कौन अस्पताल जाएंगे। समस्या तो है, लड़की विदाई होए बदे लेके आवत है महाराजगंज से। अब लड़की कैसी कैसी विदाई होए, कौनी कौनी जाए वो लड़की, तो बनाए देवा रेलवा बन जाए सड़की क्या हमने के, तो हमने कभी टिया रे पतोह रे सब है आए जाए, दिलवारी मिलवारी कूलर होए दुखे तरफ के सब होए ना। अब ये बनता है नहीं बात, हमने कभी यही करहर में मरी आई हमने पैदल आए ले नहीं रेलवे कराई हम लोग जाना दूसरा खाली उधर रेलवे क्लास कराए थे बस और कौन बात है। गांव का कम से कम भविष्य बन जा रहा है, गांव का भविष्य तो हर नाम का मार जाएगी। हमने की भैया आल है भैया हमने के यस कह रहे हैं। अरे कल हम गड़िया से रहे, हम उधर गिरे लिए बाबा तना का खड़ा बा मोटर गाड़ी हेरत हेरत तब से कौनी कौनी कहाँ ले जाए लेके जा तब से और लड़का कहाँ लड़का खाम हो जाए कि का हो जाए टेढ़ मेढ़ हो जाए मेरा रूम मरी है कहाँ पहुँची एकदम लगा दिए रेलवे का पुल काट रहा है। बहुत लोग मर गए कट के कट के कितना मनाई मरे ना कि कट का डाका भी मर गए। अब बोला जो हाथी जैसे डाका मनाई आवत हम जाता नाई के जिक्र नाई सुना तो कट के मर कर 3-4 दिन में आ गए हाल में ही बहुत। तो उसको फिर सरकार कुछ दिया पैसा कुछ नहीं, 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 नहीं सरकार सुनाई नहीं तो सरकार कुछ दिए जब ही कहबो करे तो लात खाना की ले जाइए ना ले जाइए चीर घर भेज दे कहाँ ले जाए पावत कोशिश करवाए उनका अब चला जा पानी ले जाओ जैसे गंगा जी के तिरवाहे तगाई सब यही कहीं आवत का सुनाई हुए कटिया अपन बोरा भर के गंगा जी फेंक देन का करे बोटी बोटी हो गया। कब की बात है, साल भर हो गया। प्रशासन ने कुछ उसको परिवार को पैसा भी नहीं दिया कुछ मुआवजा नहीं एक भी पैसा नहीं। कहाँ रहते हैं वो, ये गांव यही है गरीब है पंडित नहीं जाए भरे नहीं पढ़ा लिखा रहा नहीं जानकारी रहता जाए पढ़ा लिखा नहीं रहा हमने तो डकहू के पैदलो जाए कि नहीं पैदल जनता खाए नहीं सकते जकरे अगर नल्ला नहीं बा है तो खाए कैसे कैसे डके लाइन डाके तब न पाए चारा बनारस कैसा बनाना करे जाथन
लेबराना करे जाथन त कैसी जईहा छोटा छोटा बच्चा स्कूल ही जाथन गिर जाथन 7:00 बजे जाथन ओही बगल में स्कूल बा है ओ लोग के अब कैसे रहर दिना जाना बा है बच्चा बात तो पंचायत भी वाले सब जाए जावे के तो दिक्कत है अब लेकिन लड़का के जाए भरे रास्ता नहीं है तो हम कैसे पास होगी अपन जो कष्ट बा सुनाव था लेकिन क्यों सुनाए वाला नहीं हमारे पास तो रास्ता भी नहीं है नहीं कोई बाजार हाट है कि वहाँ कहती नहीं जाए ही कहती सब जाए हम लोग नहीं समझ पावा था टाइम अगर एक बहुत पुरानी दिख में मार हो जाए वो आदमी तो मरे जाए लेकिन घर का परिवार भी मर जाए कि करासिन कैसी हुई लेकिन घूमते घूमते मने मर जाए मनाई सीरियस बा है तो लेके डोलता डोलता कहा पहुँच पाए डगरा मर जाए डोली है घूमी है चक्कर नहीं कोई रेलवे का कोई साधन नहीं वैसे तो रहा सब आदमी रास्ता नहीं रहा तो रास्ता कह के मने जाते रहे लेकिन अब तो बहुत रास्ता ले ले हैं तो अब कैसी चाहिए मने तो हरा हो जात बात कह ले है ना छठ पांच लाइन रही तो सही रहा तो बिजली हो गया भाई भाई केहू सुने एक खटिया से उठा के ले जाते हैं क्या उसका खटिया तो खटिया चार जने मनाई ले के तुम लेके जाइए पास भाई राजू गाड़ी वह लेके खड़ा बा कथन माई डाकिया अब डाका डाका निहुरे चट्ठे गाटर डाकी तब ना जाए आदमी लपटिया के दोनों जने वो मोटरसाइकिल पास के ना तो हमार वाली मोटरसाइकिल ले जाए पास के हम बिंदा लौटानी ऐसे आवे लगे तो दूठे साइकिल यहाँ रहन उन्हें खड़ा हो के मोटर साइकिल डकवाए तब वहाँ पे आ जाए टाइम इतनी दिक्कत हो गई रास्ता भी ना सरकार के ऊपर सुनता ही नहीं रहता घर में था ना जब विधायक लग चला जाता है वोट ना सुना यावा था ना कौनो कोट वोट ये ही मत यावा वोट ही मत सही जो नाम है ना वहाँ की सीधा गाड़ी जो रास्ता छूटा रहा मन जगह कहके आवाज जात रहे वोट ले ले हैं आप कथा के वोट ले हम कहता जब ले जा चला वोटिया इन पर आया जिला में तो अपना हेर खोज कर ही चुमर कोटिया मत कहो विधायक का काम नहीं बात है क्या बात है कैसे हैं आपको बाबा नहीं है सब देखो ना सब कह के गए ना सब हमने के अपना सब कतौ आए ना एक दिखाते हैं इधर कौन से समाज के ज्यादा लोग रहते हैं दोनों बहन छोड़ जाती है बहन बड़ जाती है बहन हर एक गांव में सब लगा सब है बासी बहन गड़ेरिया बहन अहिर बहन औतन अरे बभनऊ बहन केवटऊ बहन कुलऊ तो बहन पासी बहन सब है एक जात चुनाव ना है सात जात सब बहन सब जाते हैं हां सबको दिक्कत है सब दिक्कत बा लेकिन क्यों बाभन साहब को ठाकुर रुपया वाला बा ऐसे रुपया वाला लेके वही की ना वही लेके गन वही लेके गन केवटन के जब रुपया रहे होता ना तब ना खचे हर के लम्बे लम्बे लेके जाइए लोग आ रहे पूछे कैसे रेलवे ट्रैक कैसे जाई अरे न डकायो लादे होई करिया तन की सब्जी लेके जाए दिक्कत है ये सब्जी लेके आओ आओ जा रास्ता मुर्दा मरता मुर्दा जीता मुर्दा के वाई पापा होता जीता मुर्दा भी है जैसे जिंदा मनाई नहीं जा रहा है मुर्दा मनाई नहीं आ रहा है जान बाकी तोहरे चौरी ला समझ आ जाता है ऐसे ऐसे गई नहीं सब्जी के बेची अरे बन जाए रास्ता तो ठीक है ना वही बनता तो क्या बताइए अब डकाव में बड़ी दिक्कत बाटे हर चीज गाड़ी आवा था कैसे डक अब वही का भेल आपके संगे भाई गाड़ी आवत के है हां कटा लिए गोछी गन खाई जी ना बेची ना तो पैसे का कर
ठीक है, आने जाने में दिक्कत है। आपका नाम क्या है? लाले। लाले कौन से गांव में रहते हैं? थक गए ना, तक खींच खींच के आ रहे हैं, हम लोग खड़े हैं। सब्जी के गांव के खियाओ, बड़ी परेशानी बैठे। सब्जी मब्जी बेच के अपन, अरे रास्तवा कम से कम अपन। हाँ बहन जिया का होता, मरत हो जियत हो, बिया होता, गवन होता कि नहीं होता, कैसे जाता हूँ, दुख पड़त सुख पड़त, कहती हुआ कहती दवाई दुआ के मरत हूँ। पूछी तो ओना की हाँ तू का कह के गई रहू, का करू पटेल के लगे पार्टी सबके लिए हमें बताओ तो हम अकेले चली, तो हमसे पहले पूछी तो का कह के आई रहू। मीटिंग करें हाँ, हमें जिता दे जा, हम सब हम साथ देवे बनवाऊ, काहे ना बोल रास्ता हाँ? रास्ता तो सब से हम निकलवाऊ। अब बहन जी जब गईन तो भुलाई गईन में जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है, लड़ना है बहना वो तो लंबी लड़ाई है, पीपने के वास्ते मसाल को जलाई है, ओटो को राउंड कर ओट है तलाश दी, ओटो को राउंड कर ओट है तलाश दी, उलटेगी एक दिन नकाब वो सियास दी, उलटेगी एक दिन नकाब वो सियास दी, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भैया ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के बाद से मसाल को चलाई है, फूलन देवी का हिसाब तूने क्या दिया, एकलव्य के अंधे का हिसाब तूने क्या दिया, रोहित ने भूला का हिसाब जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भैया ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भैया ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है।